यहाँ पे मुझे मिली है कर्क रेखा। किलोमीटर अंदर आपको हलाल स्ट्रीट मिलेगा। Hey guys, welcome back to my channel. Guys, अभी मैं जा रहा था भोपाल टू सागर, लगभग 250-300 किलोमीटर का टूर मेरा ये होने वाला है। मैं जा रहा हूँ बाइक से, और काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं कि भाई जब हम बाइक से जाते हैं 200-250 किलोमीटर, खासकर 100-125 सीसी की बाइक से, तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो सब कुछ, जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ होती हैं, पेट्रोल ख़त्म होता है, गाड़ी पंचर होता है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये रखा है मेरा हेलमेट, क्योंकि कमेंट आने वाले थे अभी कि भाई हेलमेट नहीं ले जा रहे क्या, तो हेलमेट रखा हुआ है। बाइक मेरी लगभग 1720 किलोमीटर चली हुई थी जब मैंने घर से निकाली, अभी 1742 हो गया है जहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई अभी चलता हूँ और पूरा व्यू आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा मेरा एक्सपीरियंस आपको दिखाने वाला। मैं इधर से निकल रहा था भाई, और यहाँ पे मुझे मिली है कर्क रेखा। मैंने भी किताबों में ही पढ़ा है इसके बारे में, और आपने भी जरूर से मुझे लगता है इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि किताबों में इसके बारे में बहुत जगहों पे लिखा हुआ है। तो मुझे लगा क्यों ना रुका जाए और यहाँ का भी व्यू आपको दिखा दिया जाए। ये देखो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो अभी मैं इधर से निकलूँगा, यहाँ से सांची 19 किलोमीटर है जहाँ पे मैं पहले गया था सांची, तो सांची का भी वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है। अगर आपको सांची का स्तूप देखना है तो ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको एनोटेशन दिखेगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी ये कर्क रेखा है, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, लेकिन सब जगह कचरा कचरा फैला के रखा है। तो मैं अभी कर्क रेखा से थोड़ा आगे ही आया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं हलाली स्ट्रीट, यहाँ से आप जा सकते हैं। 8 किलोमीटर अंदर आपको हलाली स्ट्रीट मिलेगा, काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ भी नेचुरल जो है झरने वगैरह हैं, अगर बारिश होती है उस टाइम पे अगर आप आते हो तो नेचर का फुल मज़ा वहाँ पे ले सकते हो। और ये जो चौराहा है, ये है बेरखेड़ी चौराहा विदिशा रोड। तो अगर मैं कभी आता हूँ इधर, मुझे मौका मिलेगा आने का, तो मैं ज़रूर से यहाँ हलाली डैम का भी वीडियो आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं थोड़ा ही आगे आया था, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जगह, यहाँ से आपको टूरिस्ट बस मिल जाती है। ये जगह यहाँ से अभी सांची लगभग 7 किलोमीटर है, तो ये लोग सांची घुमाते हैं, रायसेन घुमाते हैं, उदयगिरी घुमाते हैं, और ऐसी एक दो जगह और हैं वहाँ पे ये लोग घुमाते हैं। यहाँ से टूरिस्ट बसें भी चलती हैं, अगर आपको टूरिस्ट बस से जाना है तो आप इधर से जा सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका था सांची, और सांची स्तूप का जो वीडियो मैंने बनाया था तो यहाँ से मैं गया हुआ था वहाँ, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगी थी भूख, तो भाई मैं अभी फूड ट्रक के पास आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने पूछा भाई क्या है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे नूडल्स मिल रहे हैं, तो मैं नूडल्स खाऊंगा और इधर से निकलूँगा। मैं लगभग सुबह घर से निकला था 9:45 बजे, और अभी बज रहा है 11:45, तो मैं काफ़ी स्लो आ रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। भोपाल से अगर आता तो लगभग 2 घंटे, भोपाल से मेरा जो गाँव है वहाँ से 1 घंटा और आप ऐड कर लीजिए, तो मुझे लगभग 3 घंटा यहाँ पे लग गया है। तो अभी मैं यहाँ से कुछ खाता हूँ और उसके बाद यहाँ से फिर निकलता हूँ। 125 सीसी की बाइक को 200-250 किलोमीटर चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है? हाँ, मेरे ख्याल से ठीक ठाक था ये एक्सपीरियंस, और तुम लोगों को भी मैंने ये एक्सपीरियंस बता दिया। तो भाई वीडियो को लाइक रोक दो, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो।